बवाल कर दिया। लखनऊ की गाड़ी है यूपी 32, कल आई उस जगह से, मुझे तो लगा था कि लग रहा भारी बवाल होगा, ऊपर से ये मुसीबतें आ रहे हैं। अरे हमारी गाड़ी कहाँ निकलेगी इसमें, पॉसिबल ही नहीं है, बेटर। तो भाई हम आ गए हैं गैर शहर, और जो इसका इतिहास है कि 1920 तक ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उत्तराखंड की, उसके बाद शायद इसको बंद कर दिया गया और देहरादून ही राजधानी कंटिन्यू रखा उन्होंने, वरना पहले क्या होता था कि ठंडियों में देहरादून राजधानी और गर्मियों में गैर शहर राजधानी होती थी उत्तराखंड की। यार मौसम का क्या करें यार, ये तो दिखाई देना ही बंद हो रहा है, रास्ता तो ना भटक गया कहीं, रास्ता सही जा रहे ना भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। बयानवे में उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को औपचारिक रूप से राजधानी घोषित करा था, फिर उसके बाद इसको फिर वो करके देहरादून को राजधानी बनाया था, फिर उसके बाद 4 मार्च 2020 को मक्का सीधे जाना है ना, हैं सीधे जाना, सीधे सीधे क्या चाहता है ये, फिर 4 मार्च 2020 को वजह शस्त्र के दौरान इसे दोबारा से ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। अब देखो भाई शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा, ओले गिर रहे हैं यार, ओले गिर रहे हैं, आज भयानक ठंड रात में होने वाली है, ये ऐसा लगता है मुझे गाड़ी रोक दे दी है क्योंकि दिखाई देना बंद हो गया है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, दिखाई देना बंद हो गया है, और पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, पता लगा कहीं मुझे दिखा नहीं और मैंने पहाड़ी में कुदा दी गाड़ी, इस वजह से मैंने गाड़ी रोक दी है, ओले भी गिर रहे हैं, गाड़ी रोकना मेरी मजबूरी बन गई है, और मुझे लगता है कि अब शायद जो समय हमने सोचा था कि 5 बजे तक पहुँच जाएंगे, अब मुझे लगता है कि हम 5 बजे तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह से रुकते रुकते हुए चलेंगे तो यार बड़ा ही मुश्किल है। एक ये भाई हमारा चाहे कितना साले करिया लो लेकिन कोई जवाब नहीं है। I feel the climate. You are feeling nothing, my brother. You are feeling nothing. You are just enjoying yourself only. तब से रास्ते पर से बोलता आ रहा हूँ भाई कि कुछ तुम भी बोल लो, कुछ बता लो अपने पहाड़ के बारे में, लेकिन नहीं भाई, मैं और मेरी एक्स भाई क्या मौसम है इसको शब्दों पर बयान करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं बार बार मेरे मुंह से बस शब्द यही निकल रहा है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, क्योंकि जगह ही ऐसी है यार, इसकी कैमरे में कैप्चर होना बड़ा ही नहीं कह सकता मैं। अभी थोड़ी देर ऐसा ओला गिर रहा था ना, ऐसा लगा था कि भाई लगता है आज टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, हालांकि अभी अभी हम पहुंचे नहीं है लेकिन बाहर का एटमोसफेयर इतना अच्छा हो गया है कि फोटो सेशन किए बिना हम हमारे दोस्त रह नहीं पा रहे, देखो लगे पड़े हैं लोग, उधर घरों को देख, एक से एक तरीके एक से एक पोज दिए जा रहे हैं, मौसम ही इतना अच्छा हो गया है, पहाड़ों में कोहरा नहीं होता, हौला होता है, देखो कोहरा नहीं हौला है, हौला हाँ, ये तो पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ भाई, धन्य, पहाड़ों में कोहरा नहीं लगता, हौला होता है, हौला। जो भी मेरे दोस्त मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मैं यही कहूँगा भाई इस रास्ते से आओ, अधिकतर लोग देहरादून वाले रास्ते हरिद्वार वाले रास्ते से जाते हैं, पहले वो योगी मठ है नाम ना, हाँ योगी मठ जाते हैं फिर चोपड़ा जाते हैं, वो रूट एकदम अलग है, कभी आपको मौका मिले तो भीमताल और कैची धाम वाले रास्ते से आओ जो रानीखेत के होते हुए आता है, आपको एकदम अलग ही नज़ारे मिलेंगे देखने को, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जगह भी सुंदर होगी बट ये भी ये जगह भी उससे कम नहीं है। क्या हुआ, एक्सीडेंट भी होते हैं, रुक गया क्या,
बंद करो क्योंकि यहाँ गया यार। अब क्या होगा, मुझे लग रहा कहीं बवाल ना हो जाए यार। गया ना, ठोक दे कहीं यार, बवाल करें। लखनऊ की गाड़ी है यूपी 32। तो यार निकल आए उस जगह से, मुझे तो लगा था कि लग रहा भारी बवाल होगा, बट अंकल जी थोड़ा सा कूल दिमाग के लगे, उन्होंने उसकी फोटो ले ली ना, फोटो ले ली उसकी, फोटो वीडियो बना, फोटो ले ली, वीडियो बना ली, और वो फौरन मैक्स वाला भाग गया। मुझे तो लग रहा एक घंटा लग रहा यही बवाल होगा, क्योंकि कोहरा भी ऐसा है ना, शायद दिखे नहीं इन लोगों को, पता नहीं, लेकिन एक्सीडेंट लगभग हमारे आंखों के सामने ही हुआ है। कोहरा इतना जबरदस्त कोहरा नहीं है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा, इन रास्तों से भी आके देखो यार, अधिकतर लोग देहरादून वाले रास्ते से ही जाते हैं, एक बार रानीखेत वाले रास्ते से भी आके देखो। गैरसैंण पड़ा था ना, गैरसैंण पड़ा था, गैरसैंण चौकुटिया, इस रास्ते से आके देखो, मजा आएगा। भाई यही नज़ारे लेने के लिए लोग तुंगनाथ आते हैं। नज़ारा देखो यार, अब आप समझ सकते हो लोग क्यों आते हैं, इन रास्तों पर क्यों आते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है यार, भयंकर भयंकर मुंह से निकल रहा यार, शब्द ही नहीं मिल रहा है मेरे को, क्या बोलूं। यार एक बड़ी विकट परिस्थिति में फंस गए हैं, देखो गाड़ी यहाँ भी रुकी हुई है और वहाँ भी रुकी हुई है, बीच में जगह खाली है, कहीं लैंडस्लाइड हो गई है यार, और बरसात इतनी भयानक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार, पीछे भी गाड़ियाँ लग गई हैं यार, मलबा आ गया है भाई, कैसे निकलेंगे पहाड़ में यार। सबसे बड़ा मेरे को जस यही डर लगता है लैंडस्लाइड का, जहाँ पे खड़े हैं इसका भी तो कोई साला कन्फर्म नहीं है ना। तो भाई जिसका डर था वही हुआ यार, लैंडस्लाइड में फंस गए। बहुत बुरी लैंडस्लाइड है वो। भयानक लैंडस्लाइड हो रखी है यार, इसमें से कैसे गाड़ी पार होगी, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि आज मैं चौपटा पहुंच पाऊंगा यार। एक तो ऑलरेडी लेट हैं हम, ऊपर से ये मुसीबतें हो रही हैं, हो ही नहीं सकता पार। मुझे भी लगता है आज हम चोपड़ा पहुंच पाएंगे, है ना, क्या कहते हो? अबे इसमें कहाँ गाड़ी निकलेगी नहीं, बैग हो लेते हैं।
अरे ये बाइक से है भाई साहब, ये लोग निकल जाएंगे, हम कहाँ निकल पाएंगे? अरे हमारी गाड़ी कहाँ निकलेगी इसमें? पॉसिबल ही नहीं है। बैक करो, बैक करो, बैक करते हैं, पीछे देखते हैं कहीं कहाँ निकलेंगे आप। तो भाई वापस ही चलते हैं यार, ये तो लैंडस्लाइड बहुत खतरनाक हो चुकी है यहाँ पे। गाड़ी तो निकाल ही नहीं सकती जब तक कोई जेसीबी नहीं आएगी, विदाउट जेसीबी पॉसिबल ही नहीं है। पीछे की ओर देखते हैं, कहीं और ठिकाना बनाते हैं। तो भाई फाइनली अब जाके हमारा रास्ता क्लियर हुआ है। करीब कितना, 2 घंटा 2.5 घंटा हो गया हमको वेट करते करते, है ना। और मेरे तो एक बार गाड़ी के ठीक पीछे एक पत्थर आके गिरा, तो मैं भाग लिया था यहाँ से, चला गया था। हमने कहा यार क्यों रिस्क लें। अब जाके रास्ता क्लियर हुआ है, मैं आपको जगह दिखाता हूँ। देखा वहीं पे आ गए ना, नहीं यही हुआ था, नहीं आगे हुआ था, ये है ना, ये हाँ, ये यहाँ पे देखो, ये लैंडस्लाइड हुई थी। तो फाइनली भाई हमको निकलने का मौका मिल गया है। क्या बोलते हैं वो, जान बची तो घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या है फिर से बोलो, जान बची तो लाखों आए, लौट के बुद्धू घर को आए। अभी हम घर को तो नहीं गए जा रहे हैं, हम अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं। और हमारा डेस्टिनेशन है क्या, तुंगनाथ। तो चलते हैं भाई। अब मुझे तो लगता है तुंगनाथ तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर है। तो कर्णप्रयाग में ही अपना स्टे, हमने सोचा कि कर्णप्रयाग में अपना स्टे लेते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है कर्णप्रयाग। यहाँ से 15 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है, उसकी गाड़ी खराब हुई लग रहा भाई जी, है ना। ऐसी जगहों पर ये चीज़ होती है, लैंडस्लाइड प्लस ये बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है यार। मिलते हैं कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग का ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ से पहुँचते हैं भाई, बहुत भीग भी गए, ठंड भी लग रही है। अपने रूम पे आ गए हैं, एक होटल लेना पड़ गया हमको अपने कर्णप्रयाग में। आगे जाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, रात भी हो गई है और लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ गया है। रास्ते में जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कई जगह लैंडस्लाइड हुई थी, उसकी वजह से 3-3.5 घंटा मैं लेट हो गया। तो एक रूम ले लिया यार, रिस्क लेना जरूरी नहीं है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे, जिंदा जाएंगे, जिंदा वापस आएंगे, रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तो रूम ले लिया, एक छोटा सा रूम मिल गया है गीता भवन के नाम से कर्णप्रयाग में। और जो ये रूम है, ये जो संगम है ना कर्णप्रयाग का, उसके पास में ही है, बस 200-300 मीटर की दूरी पर है। और रूम भी सस्ता मिल गया यार, हम 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए 900 रुपये का रूम मिल गया। एक रात गुजारने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि हमारा मेन जो डेस्टिनेशन था वो तो चोपटा था, कि हम चोपटा में रुकेंगे या तुंगनाथ मंदिर में ऊपर जाके हाइट जब ट्रैक करेंगे तब वहाँ रुकेंगे, तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कर्णप्रयाग में रूम ले लिया 900 रुपये में, और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे, रूम देख लो ठीक है, रूम 100-100 है, 3 लोग आ जाएंगे इसमें आराम से, हम एक रात ही तो गुजारनी है। क्या कहते हो पंकज जी, बस है आप कम्फर्टेबल हो यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह, मस्त है, मस्त जगह। और व्यू देखो, हाँ यार व्यू देखो यार, SBI की ब्रांच भी दिख रही है। और ये जो आपको पुल दिख रहा है अभी, जो अभी ये वॉयलेट ब्लू कलर का जो ये हुआ है, इसी के पास एक मंदिर है और वहीं पे एक संगम है अपना। वॉशरूम देख लो ठीक है, वॉशरूम सोचो है यार, ज़्यादा क्या देखा भाई, दूर से देख लो ठीक है, गीजर नहीं है। ये ब्लॉग, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, कल चढ़ाई चढ़ेंगे। कौन सी चढ़ाई यार, भूल गया, तुंगनाथ। कल चढ़ाई चढ़ेंगे तुंगनाथ की, और देखते हैं चोपटा में होटल लेते हैं या तुंगनाथ में लेते हैं। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल आपको अपने नए ब्लॉग में।